हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने अपने तीखे तेवर दिखाते हुए विधानसभा का बहिष्कार किया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विधानसभा सचिव को कांग्रेस की ओर से एक प्रस्ताव दिया गया है, जिसके तहत विपिन सिंह परमार को अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि विपिन सिंह परमार विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नहीं बल्कि एक पार्टी के नेता के तौर पर कार्य कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा की उच्च परंपराएं रही है। देखिए, विधानसभा का अंतिम दिन था, आज का एजेंडा भी हमने देख लिया। विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं तटस्थ तौर पे काम नहीं कर पा रहे हैं, वो एक विचारधारा से ग्रस्त हैं, और वो इसलिए हमने विधानसभा के नियमों और कानून के तहत हमने आज 274(1) में जो है नोटिस दे दिया अध्यक्ष को कुर्सी से हटाने का, क्योंकि ये संतुलित व्यवहार नहीं कर सकते और ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे चर्चा करवाने की तैयार नहीं है। ये लगातार एक इम्प्रेशन दे रहे हैं कि इन्हें जो है सत्ता पक्ष के लिए काम करना है, तो ये सत्ता पक्ष के लिए काम करना जो है किसी भी स्पीकर के लिए व्यवहारिक नहीं। आज दिन तक विधानसभा में बहुत स्पीकर हुए जिन्होंने इस हाउस की गरिमा को जो है उसका ध्यान रखा, और तो और यहाँ पे लोगों ने स्पीकर बनने के बाद जो है एमएलएशिप्स भी छोड़ दी जब वो अगले चुनाव भी नहीं लड़े। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्पीकर बनने के बाद अगले चुनाव भी नहीं लड़े, लेकिन आज जो हो रहा है बात नहीं करने देनी है। कुर्सी पे बैठ के आप कह रहे हैं कि हम एक पार्टी से संबंध रखते हैं, हम एक विचारधारा से संबंध रखते हैं, हम उसका, और जो है सब लोग जो है बड़े बड़े लोगों के नाम ले रहे हैं कि वो एक विचारधारा से है। ये कुर्सी जो है, इस कुर्सी पे कभी विठल भाई पटेल जैसे लोग बैठे हैं जिन्होंने जो है इस सदन की उच्च परंपराओं का हमेशा ख्याल रखा, और आज आप जो है न्यूट्रलिटी नहीं कर पाओगे, तटस्थता नहीं करोगे। तो इसलिए हमने आज आखिरी दिन का एजेंडा भी देख के, जब आप देख रहे हैं महंगाई पे चर्चा नहीं होगी, 100 रुपये का पेट्रोल हो गया, 90 रुपये का डीजल हो गया, 900 रुपये की गैस हो गई, 425 रुपये का सीमेंट हो गया, 6500 रुपये का सरिया हो गया, 225 रुपये का सरसों का तेल हो गया, और उसके बाद 125 रुपये की गैस हो गई, 125 रुपये की दालें हो गई, और सारी सब्सिडियाँ जो है जाती लगी हैं, और आप जो हैं उन पर चर्चा नहीं कराएंगे। ये कोई विशेषाधिकार नहीं है, ये इस हाउस में जो है ज्वलंत मुद्दों पे चर्चा होती है। आप हमारे एमएलएस के क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हैं, आप हमारे एमएलएस के जो है बहस नहीं लगा रहे हैं, तो ये सारी बातें आई हैं, और हमने निष्पक्षता का मुद्दा जब देखा सुलट नहीं रहा है, और स्पीकर लगातार एक विचारधारा को ही प्रोपोगेट कर रहे हैं, इसलिए हमने आज नोटिस दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।